वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है रविवार और आज के रविवार को भी हम हर रविवार की तरह साप्ताहिक करंट अफेयर की टेस्ट वीडियो देखेंगे। तो साप्ताहिक करंट अफेयर की टेस्ट वीडियो नंबर ये 19 है और इस वीडियो में भी हर रविवार की तरह हम लोग 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप भी इन 15 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और वीडियो के लास्ट में कमेंट करिए कि आपके कितने सही हुए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूं, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उसमें द जीएस प्लेटफॉर्म सर्च करके आप हमारे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। और मैंने अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और हमारी वीडियोज को वहां पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए यहाँ पर 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सभी क्वेश्चन को आप पहले अपनी तरफ से सॉल्व कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो आंसर है वो वीडियो के लास्ट में ही दिए जाएंगे, जिससे कि आपके सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्व हो सकें और इन क्वेश्चन को आप कॉपी पर नोट करते चलिए। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत हुई? तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए मॉरिशस, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भारत। तो देखिए इन चार देशों में किसी एक देश में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत की गई। अब देखिए यहां पर मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए आपके लिए हिंट सहित मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सम्मेलन में भारत सहित कुल 20 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। तो आपको बताना है कि किस देश में इसकी शुरुआत हुई। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आप इसका आंसर कॉपी पर नोट करते चलिए, वीडियो के लास्ट में आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व जूनियर ट्रैक साइकिलिंग विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता? ठीक है, तो देखिए यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए जवाद रहीम, ऑप्शन बी आंद्रे रसेल, ऑप्शन सी जकूब स्टास्टनी, ऑप्शन डी एसओ अलवेन। तो इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। तो यहां पर मैं आपके लिए हिंट के लिए बता दूं कि ये जो चैंपियनशिप है वो स्विट्जरलैंड में जूनियर ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में ये आप जीत दर्ज की गई है, और ये जो जीत दर्ज की है, जिस खिलाड़ी ने भी ये जीत दर्ज की है, वे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की रहने वाली है और इनकी उम्र 17 वर्ष है। देखिए अब मैं आपके लिए हर क्वेश्चन के साथ कोई ना कोई एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता रहा हूं, जिससे कि आपको रिकॉल हो सके, आपको पढ़े हुए क्वेश्चन याद आ सके कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर दूसरे क्वेश्चन से आपको यहां पर इतने एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिल जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसका क्या आंसर है। तो जो भी आंसर हो तो आप कॉपी पर नोट करते चलिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, किस देश ने बांग्लादेश को हराकर सैफ अंडर 15 चैंपियनशिप जीत ली है? यानी कि एक फुटबॉल का टूर्नामेंट है, तो ये किसने जीता है? तो यहां पर देखिए चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भारत। तो इनमें से किस देश ने बांग्लादेश को हराकर सैफ अंडर 15 चैंपियनशिप जीत ली है? तो देखिए यहां पर मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बताना चाहूंगा कि इसके फाइनल में जिस देश ने ये चैंपियनशिप जीती है उसमें बांग्लादेश को पराजित किया है। ठीक है, और ये कहां पर आयोजित की गई ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो चैंपियनशिप है वो भूटान की राजधानी थिम्पू में आयोजित की गई। ठीक है, भूटान की राजधानी थिम्पू में, और ये सैफ अंडर 15 टूर्नामेंट का दूसरा संस्करण था। ठीक है, ये दूसरा संस्करण था, इससे पहले एक संस्करण और भी आयोजित किया जा चुका था। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर इजिली दे रहे होंगे, क्योंकि अगर आपने पिछली वीडियोज की बहुत ही ध्यान से देखा है तो आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, किस राज्य ने डायल 100 नामक एक पुलिस ऐप लॉन्च किया है? तो यहां पर इस प्रश्न के चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इनमें से एक राज्य ने डायल 100 नामक एक पुलिस ऐप लॉन्च किया है। अब इस ऐप के बारे में आपको बता दूं, इस ऐप पर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है, शिकायत दर्ज करने के कुछ समय बाद ही वहां पर पुलिस किसी भी समस्या का निस्तारण करने के लिए पहुंच जाएगी। तो ये जो ऐप है वो किस राज्य ने शुरू किया है, तो अब ये आपको बताना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप ये सभी क्वेश्चन इजीली दे रहे होंगे, और हम उम्मीद ये करते हैं कि आपके 15 क्वेश्चन में आपके 15 पूरे पूरे सही होंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरह से मेहनत की है हमारे साथ, तो आपके सभी क्वेश्चन के आंसर सही होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा, भारत ने हाल ही में किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ठीक है, तो यहां पर देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए हेलेना, ऑप्शन बी चक्र, ऑप्शन सी अग्नि 6,
ऑप्शन डी त्रिशूल 3। तो इन चार ऑप्शन में एक आंसर सही होगा, तो जो भी आंसर सही हो उसी को आप नोट करते चलिए, और वीडियो के लास्ट में आपको इन सभी के आंसर मिलने वाले हैं, और उन सभी आंसर को आप काउंट करके वीडियो के लास्ट में कमेंट करेंगे कि आपके इसमें किसमें कितने सही हुए। अब यहां पर एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको बता दूं, ये जो परीक्षण किया गया है वो राजस्थान राज्य के पोखरण में किया गया है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब ये एक्स्ट्रा फैक्ट बताने से क्या होता है कि चीजें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाती हैं और रिकॉल होता चलता है, याद होता चलता है, ठीक है। तो ये आपका पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठवां, एशियाई खेल 2018 में किसने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता, ठीक है, जो हाल ही में इंडोनेशिया में एशियाई खेल आयोजित किए जा रहे हैं, ठीक है, जिनका जो मेजबान शहर है वो है जकार्ता और पोलेमबैंग, ठीक है। तो इसमें भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो चार ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, ऑप्शन ए सुशील कुमार, ऑप्शन बी पीवी सिंधु, ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन डी बजरंग पूनिया, ठीक है। तो इन चार ऑप्शन में एक आंसर सही है। अब देखिए मैं आपको हिंट के लिए या फिर एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बता दूं कि ये जो प्रतिस्पर्धा थी, ठीक है, जिसमें स्वर्ण पदक जीता गया है, वो पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग की ये प्रतिस्पर्धा थी, और इसमें जिसने भी ये पदक जीता है वो आपको बताना है, ठीक है। 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल की प्रतिस्पर्धा थी, पुरुषों की प्रतिस्पर्धा थी, तो इसमें जिसने भी ये जीता है तो आपको बताना है। तो ये आपका छठवां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सातवां, भारत थाईलैंड मैत्री सेन अभ्यास हाल ही में किस राज्य में संपन्न हुआ, ठीक है। तो भारत और थाईलैंड के बीच जो मैत्री सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है वो किस राज्य में संपन्न हुआ है, तो यहां पर चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो ये अभ्यास किस राज्य में संपन्न हुआ है ये आपको बताना है। अब मैं आपको इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं कि ये जो सैन्याभ्यास है वो 2 सप्ताह तक चला है, और ये जो सैन्याभ्यास है वो कब से शुरू हुआ था, तो ये आपका 6 अगस्त से शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सातवां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं इन सभी के आंसर आप लिख रहे होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठवां, सुप्रीम कोर्ट ने किन चुनावों में नोटा विकल्प नहीं लागू करने का आदेश दिया है, ठीक है। जो चुनावों में नोटा बटन का यूज किया जाता है जिसमें किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं जाता है, तो वो जो नोटा विकल्प है वो कौन से चुनावों में नहीं यूज किया जाएगा, ठीक है, वो किसने आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और किन चुनावों के लिए आदेश दिया गया है, तो वो आपको बताना है। तो यहां पर चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोकसभा चुनाव, ऑप्शन बी विधानसभा चुनाव, ऑप्शन सी राज्यसभा चुनाव, ऑप्शन डी पंचायती राज चुनाव। तो इनमें से जो भी आंसर हो तो आपको बताइएगा। अब यहां पर मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता दूं कि ये जो निर्णय दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये जो निर्णय दिया है वो दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और डी वाई चंद्रचूड की बेंच ने दिया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि आपको इतना भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन आप बहुत ही डीप तरीके से पूछा जाता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो आपका आठवां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नौवां, हाल ही में पिच ब्लैक 2018 अभ्यास की समाप्ति किस देश में संपन्न हुई है, ठीक है। तो यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी भारत, ठीक है। तो जिस देश में भी इस अभ्यास की समाप्ति हुई है तो वो आपको बताना है। अब मैं आपको बता दूं इसमें भारत देश ने भी भाग लिया था, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो आपका नौवां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दसवां, एशियाई खेल 2018 में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला शूटर कौन बनी, यानी कि पहली महिला शूटर का नाम आपको बताना है जिसने एशियाई खेल 2018 में गोल्ड जीता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए चार ऑप्शन दिए गए आपको सामने, ऑप्शन ए विनेश फोगाट, ऑप्शन बी गीता फोगाट, ऑप्शन सी राही सरनोबत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी आंसर है वो आपको बताना है। तो यहां पर मैं आपको हिंट के रूप में बता दूं कि ये जो स्वर्ण पदक जीता गया है, जिस खिलाड़ी ने भी जीता है, जो ऑप्शन में आपको बताना है, वो जो उस 25 मीटर प्रति पिस्टल की जो स्पर्धा है उसमें ये पदक जीता गया है, ठीक है। 25 मीटर पिस्टल की जो स्पर्धा है उसमें ये पदक जीता गया है, और एशियाई खेलों के इतिहास में गोल्ड जीतने वाली ये पहली महिला शूटर भी बनी है, ठीक है, जिनका आपको नाम बताना है, ठीक है। अब यहां पर और भी मैं आपको बता दूं कि भारत में इसमें भारत की जो इसमें मनु भाकर थी इसमें 6वें स्थान पर रही है, लेकिन आपको स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी का नाम बताना है। तो आपका 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां,
किस महान खिलाड़ी की आत्मकथा नो स्पिन अक्टूबर 2018 में प्रकाशित होगी? तो यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए अनिल कुंबले, ऑप्शन बी मुथैया मुरलीधरन, ऑप्शन सी सैनवॉर्न, ऑप्शन डी हरभजन सिंह। तो इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आत्मकथा लिखी गई है, ठीक है, जो भी खिलाड़ी ने आत्मकथा लिखी है वो उसने अपने जीवन की क्रिकेट के अनुभवों के बारे में पूरी पुस्तक लिखी है। तो ये आपका 11वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां। प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स के अनुसार सर्वाधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं की सूची में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए जॉर्ज क्लूनी, ऑप्शन बी ड्वेन जॉनसन, ऑप्शन सी रॉबर्ट डाउनी, ऑप्शन डी अक्षय कुमार। ठीक है, तो यहां पर आपको इसका आंसर बताना है कि कौन सा विश्व का ऐसा अभिनेता है जिसको सबसे अधिक पेमेंट प्राप्त हुआ है पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान। तो ये आपको बताना है। अब यहां पर मैं आपको हिंट के रूप में बता दूं कि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सलमान खान को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है और अक्षय कुमार को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो अब आपको यहां पर आंसर बताना है कि इसमें पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 12वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां। हाल ही में किसने भारत के पुनः वित्त मंत्री का कारोबार दोबारा संभाल लिया है? यानी कि इससे पहले भी वो वित्त मंत्री रहे हैं और इसके बाद अब उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया है, तो इसकी वजह से वो भारत के पुनः वित्त मंत्री बन गए हैं। तो यहां पर चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी पी चिदंबरम, ऑप्शन डी अरुण जेटली। ठीक है, अब मैं आपको हिंट के रूप में बताना चाहूंगा, इससे पहले जो वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार था, कारभार का प्रभार था, वो किसके पास था? वो भारत के रेल मंत्री के पास था। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, रेल मंत्री जो भी है मैं आपको बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि इसमें ऑप्शन में दिए गए हैं, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन हिंट बता रहा हूं कि रेल मंत्री के पास ये अतिरिक्त प्रभार था, लेकिन अब किसके पास आ गया है वो आपको बताना है। अब नए वित्त मंत्री हाल ही में कौन बन गए? तो इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही होगा, तो जो भी ऑप्शन सही हो वही आपको बताना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14वां। एशियाई खेल 2018 में भारतीय नौकायन टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपको एक आंसर सही है, वही आपको आंसर बताना है। ठीक है, वही आप कॉपी पे नोट करते चलिए। और मैं आपको बता दूं, ये जो नौकायन टीम थी इसमें कुल चार खिलाड़ी शामिल थे, उनकी मदद से ये स्वर्ण पदक जीता गया। तो ये आपका 14वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, किस राज्य की कैबिनेट ने विधान परिषद के लिए मंजूरी प्रदान की है? यानी कि कौन से राज्य की जो परिषद है, कैबिनेट है, उसने विधान परिषद की मंजूरी प्रदान की है, यानी कि उसमें दूसरा सदन भी अब स्थापित होगा। तो चार ऑप्शन, ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी आंसर हो वो आपको बताना है। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, भारत के कुछ राज्यों में ही विधान परिषद है। तो आप प्लीज कमेंट करके ये भी बताना कि भारत के कितने राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है। ठीक है, अपने आप मार्क्स बताना लास्ट में कि आपके कितने सही हुए, और आप ये भी बताना कि भारत के कितने राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है। ठीक है, तो आपका 15वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं, अब समय आ गया है आपने जो भी क्वेश्चंस का आंसर दिया है उनके आंसर को देखने का। तो आप इन सभी आंसर को देखिए, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप अपने दिए गए उत्तरों का, आंसर्स का, आप इन आंसर से मिलान कीजिए, और मिलान करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि आपके इसमें कितने सही हुए। और आपकी सुविधा के लिए मैं आपको इनको पढ़कर भी बता देता हूं, पहले का आंसर ए है मॉरिशस, दूसरे का डी है एल्बो एसओ एल्बेन, तीसरे का डी है भारत, चौथे का सी है मध्य प्रदेश, पांचवें का ए है हेलिना, छठवें का डी है बजरंग पूनिया, सातवें का बी है जम्मू कश्मीर, आठवें का सी है राज्यसभा चुनाव, नौवें का सी है ऑस्ट्रेलिया, दसवें का सी है राय सरनोबत, ग्यारहवें का सी है सैनवॉर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी है, 12वें का ए है जॉर्ज क्लूनी, 13वें का डी है अरुण जेटली, 14वें का ए है स्वर्ण पदक, और 15वें का ए है ओडिशा। तो ये रहे आपके 15 क्वेश्चंस के आंसर जो कि मैंने आपको बता भी दिए। तो उम्मीद करते हैं आपने सभी आंसर्स को काउंट कर लिया होगा। तो आप कमेंट करना ना भूलें। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका आज का त्यौहार शुभ हो।